विक्रम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्विज स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए हम लोग बिना देर किए क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का। सही है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहरों का। सही है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन। सही है। टैक्सिकोनॉमी किस मूल रूप से संबंधित है? जैव विविधता। सही है। कवक विज्ञान क्या है? कवकों का अध्ययन। सही है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? माइकोलॉजी कवकों का। सही है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियंटोलॉजी। सही है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। सही है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। सही है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। सही है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। सही है। विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्यिकी। सही है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? इथनोलॉजी। सही है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। सही है। जेरंटोलॉजी किससे संबंधित है? वृद्धों से। सही है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? शब्द संग्रह से। सही है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? ओलेरिकल्चर। सही है। रेशम कीट पालन को कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। सही है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? एपिकल्चर। सही है। बीटी कल्चर के द्वारा कौन से एक उत्पादित होता है? अंगूर। सही है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करना से संबंधित। सही है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? अर्थ वर्म, जिसको केचुआ भी बोलते हैं। सही है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवंशिकता और विविधता का। सही है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं? गेरंटोलॉजी। सही है। वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं? गेरंटोलॉजी। सही है। फिलाटेलिस्ट का क्या करता है? डाक टिकट जमा। सही है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? बायोलॉजी। सही है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा। सही है। पेडोलॉजी किस विज्ञान का अध्ययन से संबंधित है? मृदाओं से। सही है। औषधियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सही है। हिस्टोरिया प्लेटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। सही है। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? बीजों का। सही है। जैसा कि थैंक यू।